दोस्तों, यदि आप भी शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए ग्रो एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो ग्रो एप्लीकेशन में नॉमिनी का ऐड होना बहुत ही जरूरी है। आपको तो पता ही होगा कि पैसे संबंधित जितने भी अकाउंट होते हैं उन अकाउंट में यदि नॉमिनी ऐड नहीं होता है तो अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बाद उन पैसों को क्लेम करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि ग्रो एप्लीकेशन में नॉमिनी को कैसे ऐड करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल में ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे और इसमें फिंगरप्रिंट या फिर ग्रो पिन के जरिए लॉग इन हो जाएंगे। तो ग्रो एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद हम चले जाएंगे यह सबसे ऊपर प्रोफाइल पे। यहाँ देखिए अकाउंट होल्डर का नाम दिया है। इस अकाउंट होल्डर के नाम के ऊपर हमें इस तरीके से एक बार क्लिक करना है। तो यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन के डीमैट अकाउंट का पूरा डिटेल्स हो जाएगा, जैसे कि अकाउंट होल्डर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, पैन कार्ड नंबर, मैटर स्टेटस, जेंडर, यूसी कोड, डीमैट अकाउंट, डीपी आईडी नंबर। यदि हम इस पेज को थोड़ा सा और ऊपर खिसकाते हैं तो यहाँ सबसे नीचे में देखिए एक ऑप्शन है नॉमिनी डिटेल्स, और यहाँ पर लिखा है स्टॉक्स नॉमिनी मिसिंग। इसी पे हमें इस तरीके से क्लिक करना है। यहाँ पे एक नॉमिनी दिखाई दे रहा है। दरअसल मैंने इस नॉमिनी को अपने म्यूचुअल फंड के लिए ऐड किया था, लेकिन यहाँ बोला है कि स्टॉक के लिए नॉमिनी ऐड नहीं है। तो स्टॉक के लिए नॉमिनी ऐड करने के लिए यहाँ सबसे नीचे दिया है ऐड नॉमिनी फॉर स्टॉक्स, ठीक है, इसमें क्लिक करना है। यहाँ दिया है कन्फर्म अपडेट न्यू नॉमिनी, नीचे दिया है ओके आई अंडरस्टैंड, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ लिखा है ऐड नॉमिनी फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और नीचे दिया है ऐड नॉमिनी, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें डालना है नॉमिनी का पूरा नाम। नॉमिनी नेम डालने के बाद यहाँ लिखा है कन्फर्म, इस पर क्लिक करेंगे। नॉमिनी के साथ जो रिलेशनशिप है उसे हमें यहाँ सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं यहाँ से वाइफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे डालना है नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, नीचे लिखा है सिलेक्ट आई डी टाइप, इसमें क्लिक करके यहाँ से हम आई डी टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ देता हूँ आधार नंबर को, ठीक है। तो अब हमें यहाँ डालना है नॉमिनी का आधार नंबर। आधार नंबर डालने के बाद कन्फर्म आइडेंटिटी प्रूफ, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे नीचे दिया है कन्फर्म, इस पर क्लिक करेंगे। तो हमारे इस ग्रो एप्लीकेशन में जो मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी है दोनों पे एक ओटीपी गया होगा, दोनों में से किसी से भी एक ओटीपी लेकर यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। ओटीपी डालकर कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया कि नॉमिनी का डिटेल जो हमने डाला है वो सीडीएलएस के पास रिसीव हो चुका है, लेकिन नॉमिनी अपडेट होने में 1 से 2 दिन का टाइम लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, नॉमिनी तुरंत ही अपडेट हो जाता है। चलिए मैं आप लोग दिखाता हूँ। यहाँ से हम क्या करेंगे, बैक हो जाएंगे और देखिए यहाँ पे जो नॉमिनी डिटेल में मिसिंग लिख रहा था वो यहाँ से गायब हो चुका है। यदि हम फिर से इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया नॉमिनी का नाम और नीचे लिखा है ऑल स्टॉक्स एंड न्यू म्यूचुअल फंड्स, और नीचे में भी नॉमिनी का नाम दिया हुआ है, यानी नॉमिनी का नाम तुरंत ही अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी ग्रो अकाउंट में नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और ज्ञान वाले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।